अखंड भारत क्या है? अखंड भारत इज दैट सिविलाइजेशन जो कि हमारी 5,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। तो उसमें जब अखंड भारत की बात होती है, तो क्या ये बोला जाता है कि हम सारे मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे, तो तुम्हारे भारत में से सारे मुसलमान बाहर निकले हुए हैं जो तुम अखंड भारत में से निकाल दोगे, ये बोला किसने आज तक? हम तो इंक्लूसिव बात करते हैं कि हमारा इंडिया था और वो इंडिया इतना बड़ा था, हम सारे इकट्ठे रहते थे, इसको तोड़ दिया गया है। तो अगर हम जैसे यूरोपियन यूनियन है ऐसा एक अखंड भारत बना ले तो क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी तो प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अखंड भारत का मतलब ये थोड़ी है कि हम पाकिस्तान को कैप्चर करने जा रहे हैं या अफगानिस्तान को एनेक्स करने जा रहे हैं। ये डिमांड की किसने, पाकिस्तान की डिमांड किसने की, ये सबसे बड़ी चीज है। यूपी और बिहार के मुसलमानों ने, वो यहाँ आज भी रह रहे हैं, जो जिन्होंने डिमांड नहीं की वो एक अलग कंट्री लेके बैठे हैं, उन्होंने कभी डिमांड ही नहीं की। पाकिस्तानी यानी पंजाब सिंध खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान, इन लोगों ने कभी अलग पाकिस्तान की डिमांड नहीं की थी। यूपी और बिहार के मुसलमान आज भी यहीं रह रहे हैं, वो गए लेकिन नहीं। मुशर्रफ के पास भेजने विजन था, लेकिन मुशर्रफ अपनी ही सत्ता को अपनी ही पावर को कंसोलिडेट करने में लगे रहे। मुशर्रफ के पास विजन था तभी ये समझौता एक्सप्रेस चली, तभी मुनाबाव कोकरापार ट्रेन चली। इंडिया कार मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ चला गया, इंडिया कैसे ग्रो कर रहा है, इंडिया में करेंसी को कितनी, इंडियन करेंसी को कितनी वैल्यू दी जा रही है, कितने कंट्रीज में इंडियन करेंसी यूज हो रही है, आईटी में इंडिया कितनी तेजी से ग्रो कर चुका है, अगर वो लोग तारीफ कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर इमरान खान साहब ये कह सकते हैं कि भाई देखें कुछ सीखना है तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से सीखो, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की वीडियोस वो अपने जलसों में चला सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर दूसरे तमाम हमारे पॉलिटिशियंस ये बात कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। एक तो पॉइंट ये है, सेकेंडली मैं क्यों करता हूं, मैं इधर खुलेआम बिल्कुल सरेआम आज बहुत सी बातें हैं मेरे दिल में जो मैं अपने अपनी ऑडियंस को, अपने देखने वालों को, आपके देखने वालों को करना चाहता हूं, क्योंकि रिसेंटली ऐसे कुछ वाकया मेरे साथ, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो कि मुझे बहुत ज्यादा, मैं मुझे ऐसा लगा है कि कह लें कि मुझे दुख हुआ है कि यार आज भी अगर हम ऐसी सोच रखेंगे, आज भी अगर सच को सच कहने पे ये कहा जाएगा कि ये तारीफ कर रहा है तो शायद हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो रोहित भाई ये चीजें तो चलती रहेंगी, बहुत सी बातें इस प्रोग्राम में, बहुत सी बातें इस शोएब वीडियो में हम करेंगे। साहब, शोएब साहब, मैं एक चीज ऐड करूंगा। देखिए, जिस समय प्रॉफेट मोहम्मद थे उस समय उनके भी खिलाफ लोग बोलते थे, जीसस क्राइस्ट थे उस समय उनके खिलाफ लोग बोलते थे, भगवान राम के खिलाफ बोलते थे। तो हमारी और तुम्हारी क्या औकात है? वो हम इतने बिल्कुल बड़े लोगों के सामने हमारी क्या औकात है? लोग हमारे खिलाफ भी बोलेंगे और आपके खिलाफ भी बोलेंगे। आपका काम है, आप अपना काम करते रहिए। आप प्रॉफेट मोहम्मद से तो कहीं अपने आप को कंपेयर ही नहीं कर सकते, आप तो बहुत छोटे से हो उनके सामने, है ना। तो बिल्कुल भाई जब उनको नहीं छोड़ा लोगों ने, तो आपको क्यों छोड़ेंगे? ठीक है, सच बात ये है। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं ये बोलूं कि एक आदमी है जिसने पीली, मेरे सामने बैठा है वो बड़ा अच्छा आदमी है, जिसने पीली शर्ट पहनी है वो बड़ा अच्छा आदमी है, जिसने दाढ़ी जिसके पास जिसे जिसकी दाढ़ी है वो बड़ा अच्छा आदमी है, जिसके हाथ में अंगूठी है वो बड़ा अच्छा आदमी है, मैं नाम ना लूं, तो इसका मतलब शोएब चौधरी की तारीफ नहीं हो रही है हो ना। रही यही तो आपके प्राइम मिनिस्टर शाहबाज शरीफ ने बोला था अपनी स्पीच में कि 30 साल पहले जो हाँ इकोनॉमीज IMF के पास गई थी वो आज आसमानों से बातें कर रही हैं, तो उन्होंने इंडिया की तारीफ नहीं की थी क्या? तो बिल्कुल आप ये जो प्रोटेस्ट आपके सामने हो रहा वो वहां क्यों नहीं हुआ? ऐसा सोचने ही वाली है। बात है। वो उन्होंने भी इशारों में बोला था, लेकिन बोला किस कंट्री को था? नाम बता दो उस हाँ कंट्री का, आप सिंपल है। इशारों की बात कर रहे हैं, डायरेक्टली बोला गया और बहुत दफा बोला गया है। खैर ये चीजें और भी बहुत सी चीजें हैं जो इस वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताएं कि एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया की GDP की अगर बात करें बहुत तेजी से ग्रो होती नजर आ रही है, क्या आप ये मुझे बताएं इसके पीछे वजह क्या है? क्या पोलिटिकल स्टेबिलिटी इसके पीछे वजह है, या पीएम मोदी, इंडिया के पीएम मोदी का विजन इसके पीछे वजह है, या फिर इंडिया ऑलरेडी अब इस ट्रैक पे आ चुका है कि कोई भी लीडर आए, कोई भी प्राइम मिनिस्टर आए, ये अब आगे ही बढ़ेगा, पीछे को नहीं आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार इमरान खान को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना के देखो, देखो कहाँ जाता है ये इंडिया। ये भी सही है कि देयर इज समथिंग नोन एज कि एक एक आदमी गड़बड़ करने वाला बिठा तो वो कर सकता है। मनमोहन सिंह एक बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक रास्ता दिया। और क्योंकि वो फंसे हुए थे पॉलिटिक्स में, इतनी सारी कोलिशन गवर्नमेंट्स में थी, और तो उनके डिसीजन लेकिन लेने के मैकेनिज्म बड़ा खराब था। प्राइम मिनिस्टर मोदी फुल फ्लेजेड मेजोरिटी में आए हैं, डिसीजन लेने में उन्हें मिनट लगते हैं, घंटे नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के टाइम पे
जो डबल इंजन की सरकार बोलते हैं वो डबल इंजन नहीं है, वो कई इंजन लगे हुए हैं और वो कई इंजन के साथ इस स्पीड पे काम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद और अमित शाह खुद, इनके इनके जो करीबी लोग हैं, इनके जो दोस्त हैं, इनसे पूछो ना, इनके स्टाफ वालों से पूछो ना, 4 घंटे के सोते ही है दोनों के दोनों और काम में लगे रहते हैं इतना। और इनके टाइम पे मैं बता सकता हूँ कितनी कितनी सारी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। ऐसा ही है। इतनी पॉपुलेशन सिर्फ दो कंट्रीज की, एक इंडिया खुद और एक चाइना, चाइना और चाइना भी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन नहीं दे रहा है। ठीक है, 140 करोड़ लोग, वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन को फ्री में वैक्सीनेशन देना सिर्फ इंडिया कर सकता था और कोई नहीं कर सकता था। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की खूबी ठीक है सिंपल। रोहित भाई, मुझे ये बताएं उस टाइम पे, ठीक है, नो डाउट के कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई लीडर हो, अपनी कंट्री के लिए सिंसेयर है, अपने लोगों के लिए सिंसेयर है, काम कर रहा है, और बहुत से ऐसे दूसरे कंट्रीज भी होंगे जहां पे प्राइम मिनिस्टर या उनके लीडर या हेड ऑफ स्टेट अपनी कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए सिंसेयर होंगे, लेकिन उस टाइम पे इंडिया की GDP बढ़ना, उस टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करना, जिस टाइम पे अमेरिका, जिस टाइम पे दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी नीचे जा रही है, यस, इसे ये बोलते सवाल हैं कि है। आप इकोनॉमी को मैनेज कैसे कर रहे हैं, यहीं पे बात आती है। चाइना भी एक बड़ी इकोनॉमी है। अच्छा, ये बोला जाता है कि क्योंकि इंडिया एक राइजिंग इकोनॉमी है इसलिए इंडिया की इकोनॉमी राइज कर रही है, बाकी सारी इकोनॉमीज कहीं स्टैग्नेशन पे हैं, ऐसा नहीं है। चाइना भी एक राइजिंग इकोनॉमी है, चाइना अपने आप को नंबर वन इकोनॉमी बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्यों नहीं उस स्पीड पर भाग रहा। इसे बोलते हैं कैसे आप इकोनॉमी को रास्ता देते हैं, और इकोनॉमी को रास्ता जो दिया जा रहा है वो इंडिया की तरफ से, वी आर ओपनिंग अप मेक फॉर इंडिया, जो मेक इन इंडिया का प्लान है। हम बाहर से इंपोर्ट क्यों करें, हम इंडिया में बनाएंगे, हम माइक्रोचिप्स में घुस बिल्कुल रहे हैं, हम सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग में घुस रहे हैं, हम बिल्कुल क्या चीज अब हम नहीं बना रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमी 7.2% पे राइज हुई है, राइट, 7.2%, और पहले पिछले साल तो यही टाइम पे 9% राइज करे। तो ऑफ कोर्स पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, जर्मनी तो नेगेटिव ग्रोथ रोड में ही चला गया, और ब्रिटेन की भी सूरत हाल बहुत अच्छा बहुत नहीं बहुत है। ऐसी, अमेरिका की बात मैं करें, कह रहा चाइना हूँ की कि बात करें, चाइना सबकी की भी हालत हम खराब। बात करें रोहित भाई, चाइना की भी बात करें, वो भी हमारे सामने है कि जो सुपर पावर बनने की दौड़ में है, खुद को ये कहता है कि हम नंबर वन इकॉनमी बनने जा रहे हैं, उनकी भी आप सिचुएशन देख लें तो मैं तो एक दफा हैरान होता हूँ कि शायद ये कोई जादू है, ये इंडिया वाले क्या कर रहे हैं, कौन से ट्रैक पे चल पड़े हैं। खुशी होती है, अच्छी बात है, लेकिन हैरत भी बहुत होती है। राइट, ये एक बात बोले तो किसी भी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है, और एक के यूथ को आप गाइडेंस देते हैं। अच्छा, हमारी यूथ जो है अब आज, जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ा करते थे तो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज होती थी कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि वर्ल्ड में ओशन कितने हैं, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कितने हैं, स्टेट्स कितनी है। आज के यूथ को इसमें इंटरेस्ट नहीं, आज के यूथ को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, मार्केट में मोबाइल कैसे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। आज के यूथ को ये है सर कि सेमीकंडक्टर्स कैसे काम कर रहे हैं, माइक्रोचिप्स कैसे काम कर रहे हैं। यूथ स्टार्टअप का कैसे करना है, पर्सपेक्टिव अगर हमने चेंज, बिजनेस करना है वो कैसे करना है, ये चीजों में इंटरेस्ट है डेफिनेटली। यस, आज के यूथ को पता है कि वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है, आज के यूथ को पता है कि फाइनेंस स्टार्टअप कैसे आते हैं, आज के यूथ को पता है कि हमें कहां से परमिशन लेनी। माइंडसेट चेंज हो चुका है यूथ का, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो लड़के कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो सब ये बातें कर रहे हैं, ठीक ये है, माइंडसेट चेंज होना बहुत जरूरी था। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी का खुद का, मैं कोई उनका फॉलोअर नहीं हूं, लेकिन जो सच है, जैसे आपको बोला जाता है कि आप इंडिया की तारीफ करते हो, मुझे भी बोला जाता है कि मोदी की तारीफ करता है, ये तो बिल्कुल मोदी भक्त है। भाई, जो चीज तारीफ करने लायक, अभी थोड़ी देर पहले मनमोहन सिंह कर रहा था ना, जो चीज तारीफ करने लायक है वो की जाएगी, मजबूरी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद खुद इंटरेक्ट करते हैं स्टूडेंट से कई बार, साल में एक जो दो बार नहीं, कई बार, और उनको बताते हैं कि हमें कैसे आगे चलना है। मैं आपको, मन की बात हर बार आती है, हर संडे, हर लास्ट संडे प्राइम मिनिस्टर की रेडियो स्पीच है, बिल्कुल वो 9 साल से, बिल्कुल 9 साल से लगातार आ रही है, और वो उस रेडियो स्पीच में वो बहुत सारी चीजें बोलते हैं जो उनका विजन है बच्चों के लिए, सोसाइटी के लिए। उनका इंटरेक्शन विद द पीपल, विद द सोसाइटी इज वंडरफुल, और जो जो पाथ दिया जा रहा है वो डायरेक्टली हमारे करिकुलम में आ रहा है। तो ये सोचने वाली बात है कि कहाँ हमारी इकोनॉमी जाएगी इसके बाद, क्या हम लोगों ने दिया है, क्या हम लोगों की आगे रास्ता है, और ठीक है, स्टार्टअप्स को
स्टार्टअप्स को बहुत सपोर्ट किया जाता है। सारे स्टार्टअप्स वेंचर सारे सक्सेसफुल नहीं होते हैं, ये सारी इकोनॉमीज को पता है। फिर भी अगर हम सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न दे रहे हैं, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स, तो इंडिया में कुछ है, इसमें कोई शक नहीं। और ये इकोनॉमी वाइब्रेंट क्यों हुई, क्योंकि मनमोहन सिंह एंड मोदी, ये दो प्राइम मिनिस्टर्स हमें बैक टू बैक मिल गए। ठीक हो गया रोहित भाई, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक अगर हमारी ऑडियंस, मैं अपनी ऑडियंस की बात करूं या यूथ की बात करूं, आज के टाइम पे किसी को इंटरेस्ट नहीं रहा कि पाकिस्तान तबाह हो रहा है, पाकिस्तान ये हो रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी गिर गई है। आज के टाइम पे अगर कोई एजुकेटेड लोग जो इंडिया से हैं खासतौर पे, या इवन पाकिस्तान से भी हैं, वो फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके हमने दुनिया के साथ कम्पीट करना है। मैं अगर अपनी ऑडियंस की बात करूं, मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेटेड ऑडियंस है, और वो बजाय ये नफरतों के वो इन चीजों को फोकस करती है कि किस तरीके से बिजनेस बढ़ाया जाए, किस तरीके से इंडिया का नाम पूरी दुनिया में किया जाए, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में किया जाए, किस तरीके से रिलेशन को बेहतर किया जाए, पॉजिटिविटी क्रिएट की जाए। मुझे ये बताएं, ऐसे टाइम पे जब आप तेजी से ग्रो कर रहे हैं, आपकी जीडीपी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, दुनिया इस चीज को मान रही है, ऐसे टाइम पे एक इंडियन के नजदीक पाकिस्तान, ये जो लोग देख रहे हैं, जो भी लोग इस टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो भी आंसर जरूर करिएगा, जो इंडिया से देख रहे हैं खासतौर पर वो लोग आंसर करिएगा नीचे कमेंट में, कि मुझे बताएं आखिर क्या वजह है कि एक साइड पे इंडिया तेजी से ग्रो करता नजर आ रहा है, दूसरी साइड पे पाकिस्तान तेजी से नीचे आता नजर आ रहा है, इसकी रीजन क्या है, पाकिस्तान में कौन सी ऐसी खामी है, पाकिस्तान के लोगों में, गवर्नमेंट में या इदारों में क्या ऐसी खामी है जिसकी वजह से हम इकॉनमी को ग्रो नहीं कर पा रहे, इवन इकॉनमी के अलावा किसी भी फील्ड में हम प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे। रोहित भाई आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए मैंने पिछले 20 साल में जो स्टडी करके बताया है, स्टडी किया है, उससे कुछ चीजें सामने आती हैं। वो ये कि इकोनॉमी बेटर क्यों नहीं हो रही, उसके लिए कोई विजनरी लीडर नहीं आया, और आया भी तो उसको टिकने नहीं दिया गया। पहली चीज, मुशर्रफ के पास विजन था, लेकिन मुशर्रफ अपनी ही सत्ता को अपनी पावर को कंसोलिडेट करने में लगे रहे। मुशर्रफ के पास विजन था तभी ये समझौता एक्सप्रेस चली, तभी मुनाबाव कोकरापार ट्रेन चली, तभी बस चली श्रीनगर मुजफ्फराबाद, और इंडिया के वीजाज मिलने शुरू हुए, पाकिस्तान के वीजाज मिलने शुरू हुए। ये विजन था कि हम दोनों को पीसफुल कोएग्जिस्टेंस करना है। वो मुशर्रफ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इस लेवल पे भी आ गए थे कि कश्मीर सॉल्यूशन फाइनल हो जाता, लेकिन मुशर्रफ को ऑपरेट नहीं करने दिया गया। ठीक है, उसके साथ साथ इससे पहले वाले मिलिट्री डिक्टेटर जो थे जियाउल हक, उन्होंने तो खैर क्या बताऊं, पाकिस्तान को उस लेवल पे ला गए जहां से उसके बाद किसी आदमी ने पाकिस्तान को बर्बाद किया है, वो इमरान खान। सीधी बात, दो चीजें। पहले ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, जी मेरी ऑब्जर्वेशन है, सही बात है। अब उसके बाद मैं एक चीज बोल रहा हूं कि पाकिस्तान को एक विजनरी लीडर चाहिए, लेके आए थे क्या नाम है उनका, वो अमेरिका से पर फाइनेंस मिनिस्टर को लेके आए थे, और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर भी, शौकत अजीज शायद नाम था, शौकत अजीज प्राइम मिनिस्टर बने बाद में। तो एक ऐसे लीडर को लाना बहुत जरूरी है ये, और वो लीडर को फ्री हैंड भी जरूरी है। देन इस्लामिसाइज कर दिया गया कंट्री को, ये सोचने वाली बात है कि क्या आपके कंट्री में शराब नहीं बिकती है? अगर आप बोलते हैं नहीं बिकती तो झूठ बोलते हैं, और बिक रही है तो उसको ऑफिशियली क्यों नहीं बेचा जा रहा है, टैक्स आएगा। दूसरी चीज, आपके कंट्री में बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जो कि इस्लाम में अलाउड नहीं है लेकिन हो रहे हैं, तो उनको ऑफिशियली कीजिए ना, ऑफिशियली करोगे आपको टैक्स मिलेगा, आपकी इकॉनमी को सपोर्ट करेंगे वो। आपने बोला बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं, मैं अगर ये कहूं कि हमारे पाकिस्तान में इस टाइम जो ओवरऑल सिस्टम है वही सिस्टम इस्लाम के अगेंस्ट है। अगर हम बैंक की बात करें, इवन क्योंकि बैंकिंग सिस्टम से ही इकॉनमी का सारा लिंक होता है, तो हमारा बैंकिंग सिस्टम, सूद का जो निजाम है वही इस्लाम के अगेंस्ट है। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि इस्लाम जी, पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, ये कहने की हद तक तो हम कहते हैं, जो हकीकत है, जो सब कुछ हो रहा है वो दुनिया को पता है। रोहित भाई आपकी पार्लियामेंट की बात करते हैं, उस बात करने की रीजन ये है कि आपकी पार्लियामेंट में पाकिस्तान का मैप भी नजर आया,
आपकी पार्लियामेंट में कश्मीर, आपकी पार्लियामेंट में नेपाल का मैप, बांग्लादेश का मैप नजर आया, उसके पीछे क्या रीजन है? अखंड भारत की बात की जा रही है कुछ सोशल मीडिया की तरफ से, लेकिन जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है वो तो कोई हिस्ट्री को लेकर कोई मैप बनाया गया है कोई अपना इस तरीके से। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे आप। वो मैप ही नहीं है, जी उसमें कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री है ही नहीं। ठीक है, उसमें ये दिखाया गया है कि पुराने जमाने में कहाँ पे क्या क्या शहर हुआ करते थे, उसको अखंड भारत का कोई नाम दे तो अच्छी बात है, ना नाम दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी चैनल में बोल रहा हूँ इसलिए नहीं है, ये बात कांग्रेस ने भी अभी तक ये मुद्दा उठाया नहीं है, और उठाएगी भी तो अपने अपने वोट्स लूज करेगी। ऑफ कोर्स उसको अखंड भारत बोला जा रहा है, नो डाउट अबाउट इट। तो बोल सकते हैं अखंड भारत क्या है, अखंड भारत क्या है, अखंड भारत इज दैट सिविलाइजेशन जो कि हमारी 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। तो उसमें जब अखंड भारत की बात होती है तो क्या ये बोला जाता है कि हम सारे मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे, तो तुम्हारे भारत में से सारे मुसलमान बाहर निकले हुए हैं जो तुम अखंड भारत में से निकाल दोगे, ये बोला किसने आज तक? हम तो इंक्लूसिव बात करते हैं कि हमारा इंडिया था और वो इंडिया इतना बड़ा था, हम सारे इकट्ठे रहते थे, इसको तोड़ दिया गया है, कुछ लोगों ने तोड़ा, किसी वजह से तोड़ा, हम आज फिर मिलके साथ बैठे हैं। किसी ने ये बोला कि भाई हमें अखंड भारत तो चाहिए लेकिन विदाउट मुस्लिम्स? किसी ने बोला हो? एक स्टेटमेंट दिखा दो। अखंड भारत की बात हो रही है तो उसको पाकिस्तान की साइड से, एक तरफ तो पाकिस्तान मानता है कि इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी है, उससे हमें ट्रेड करें, उसके साथ हम बात करें, उधर जाएं। तो अगर हम जैसे यूरोपियन यूनियन है ऐसा एक अखंड भारत बना ले तो क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी तो प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अखंड भारत का मतलब ये थोड़ी है कि हम पाकिस्तान को कैप्चर करने जा रहे हैं या अफगानिस्तान को एनेक्स करने जा रहे हैं। कंट्री अपने रहेंगे, हम लोग आपस में ट्रेड करेंगे, हम लोग आपस में आएंगे जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडियन इंडियन रहेगा, पाकिस्तानी पाकिस्तानी रहेगा। ये इसका मतलब है अपने अपनी सोच की बात है कि अगर किसी वो जो मैप है आपने बोला वो मैप है ही नहीं, वो तो एक हिस्ट्री को शो किया गया है जो 5000 साल पुरानी या जितनी भी पुरानी हिस्ट्री है। लेकिन इस बात से मैं 100% एग्री करता हूं कि जैसे यूरोप में हम देखें कि जिस तरीके से आपस में ट्रेड की जा रही है और उनमें वर्ल्ड वार हो चुकी है। शर्मा जी आप तो मेरे से काफी ज्यादा जानते होंगे, वर्ल्ड वार हो चुकी है जिन स्टेट्स के दरमियान, जिन कंट्रीज के दरमियान। आज वो बिल्कुल बॉर्डर फ्री ट्रेड कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे हम रहे भी इकट्ठे हजारों साल, हमने खाया भी इकट्ठा, हमारी लैंग्वेज एक जैसी, हमारा दिखना तकरीबन एक जैसा, लेकिन फिर भी नफरतें क्यों नहीं कम हो रही? फिर देखिए ये प्रॉब्लम कहाँ है, ये प्रॉब्लम वहां है जहां पे ये बोला गया कि हम रिलीजन की वजह से साथ नहीं रह पाएंगे, ये प्रॉब्लम। पर ये एक आदमी या दो आदमी या तीन आदमियों का सपना था, ये डिमांड की किसने, पाकिस्तान की डिमांड किसने की, ये सबसे बड़ी चीज है। यूपी और बिहार के मुसलमानों ने, वो यहाँ आज भी रह रहे हैं, जो जिन्होंने डिमांड नहीं की वो एक अलग कंट्री लेके बैठे हैं, उन्होंने कभी डिमांड ही नहीं की। पाकिस्तानी यानी पंजाब सिंध खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान, इन लोगों ने कभी अलग पाकिस्तान की डिमांड नहीं की थी। यूपी और बिहार के मुसलमान आज भी यहीं रह रहे हैं, लेकिन वो गए नहीं। इशू ये है ना कि हिस्ट्री का पता नहीं, हम बस ये कहते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन हम नो डाउट पाकिस्तान, एक पाकिस्तानी को यही नारा लगाना चाहिए, लेकिन हिस्ट्री अगर उठाएं तो बंगालियों ने एफर्ट की सारी। अगर पाकिस्तान को एक मतलब कंट्री बनाया गया, अगर पाकिस्तान मूवमेंट चली, तो उसके अंदर आप भी जानते हैं, हिस्ट्री जानती है कि बंगालियों ने एफर्ट की, और ये तहरीक कहां से स्टार्ट हुई, इसका लिंक पंजाब से क्या था, ये सब चीजें सामने हैं। लेकिन हम क्योंकि हिस्ट्री को पढ़ना नहीं चाहते, इवन हम पढ़ना ही नहीं चाहते, जिसकी वजह से हमें बस जो दिखाया जाता है, जो बताया जाता है, हम वही नारे लगाते हैं, और उन नारों की वजह से ही देखें शर्मा जी, मजा तब है जब आपका ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान का फ्लैग किसी ब्रिज के ऊपर लगता नजर आए और दुनिया में वायरल हो, जैसे कि इंडिया का हुआ। मजा तब है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहीं पे जाए, उनका रेड कार्पेट पे जो उनसे वेलकम किया जाए और उनको बिल्कुल ऐसे रिस्पेक्ट दी जाए जैसे कि हमने रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को देखा, तब हम कहें कि बिल्कुल ये चीज है, पूरी दुनिया में नाम है। आज पाकिस्तान का क्या दुनिया में नाम है, आज नेबर कंट्री का इंडिया का दुनिया में क्या नाम है, सबके सामने है। लेकिन हम फिर भी जज्बात से बाहर नहीं निकल रहे, हम फिर भी ये कहते नजर आते हैं अपने घर में। देखें शर्मा जी, मैं यहाँ पे खड़ा होकर ये कह दूं कि मैं इंडिया को एक दिन में तबाह कर दूंगा, मैं इंडिया को एक सेकंड में तबाह कर दूंगा, इंडिया को कोई फर्क पड़ेगा? इंडिया तो हंसेगा मेरे पे, इंडिया के लोग मेरे पे हंसेंगे। जिस तरीके का वेलकम प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिलता है,
उसके लिए बचपन में चाय बेचनी पड़ती है, उसके लिए कई साल जंगल में भटकना पड़ता है, और उसके लिए गरीबी देखनी पड़ती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात अलग है, उन्होंने अपनी एक प्रेस्टीज खुद बनाई। इससे पहले वाले प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उसी इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उनको तो सऊदी अरेबिया ने हाला हाईएस्ट अवार्ड नहीं दिया, या यूएई ने नहीं दिया, मुस्लिम कंट्रीज है दोनों, और उनको वो वेलकम नहीं मिलता ना। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने कितनी मेहनत कर पा रहे हो और आपके साथ कंस्ट्रेंट्स क्या है। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह भी मेहनत करते थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनके साथ कंस्ट्रेंट्स इतने थे कि इतनी पॉलिटिकल पार्टीज को मनाना पड़ता था उनको, वो डिसीजन ले ही नहीं पाते थे बहुत सारे। एक एक न्यूक्लियर डील का डिसीजन में कितने हंगामे हुए, ये मूवी है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उनके अपने मीडिया एडवाइजर की लिखी हुई किताब पे बनी, आप देख सकते हो। और वही डिसीजन अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लेना होता तो वो एक बार में बोलते डन, और दाएं बाएं जितने लोग हैं सारे चुप हो जाते। तो इसमें टाइम वेस्ट होता है और कंट्री की प्रोग्रेस जो होती है वो रुकती है। यही प्राइम मिनिस्टर मोदी आकर के पिछले हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर थे उसमें से कई प्राइम मिनिस्टर से ऊपर बेटर डिसीजन मेकिंग पावर दिखाते हैं। चले अच्छी बात है, और मैं चाहता हूँ कि मतलब जो भी कंट्री है, कोई भी, इवन मैं चाइना की बात करूँ, मैं चाहता हूँ कि चाइना भी मजीद डेवलपमेंट की तरफ जाए, मैं कहता हूँ अफगानिस्तान भी मजीद डेवलपमेंट की तरफ जाए, मैं कहता हूँ ईरान भी अगर आज इस कंडीशन में है, जैसी भी कंडीशन में है, वो डेवलपमेंट की तरफ जाए, बांग्लादेश भी डेवलपमेंट की तरफ जाए। लेकिन जब मैं कहता हूँ मैं चाहता हूँ कि इंडिया भी डेवलपमेंट की तरफ जाए, तो तब मैं गद्दार, तब मैं एजेंट, तब मैं मतलब इस तरीके से एक प्रोपोगंडा करने वाला यूट्यूबर सामने आता हूँ। तो इसकी ये सोच है जो कि पाकिस्तान के लोगों को बदलने की जरूरत है कि भाई नफरतों के साथ कभी कोई आगे नहीं बढ़ पाया, मोहब्बत चाहिए, पॉजिटिव माइंड चाहिए, कोई भी चीज है उससे आपको सीख लेने की जरूरत है, ना कि उसमें से नेगेटिविटी निकालने की जरूरत है। रोहित भाई मुझे ये बताएं, इंडिया की यूथ की अगर बात करें, जो कि जाहिर बात है मोस्टली जो सोशल मीडिया यूजर हैं वो ऑलमोस्ट यूथ होते हैं, वैसे तो अब हर एज के लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, लेकिन यूथ पाकिस्तान को किस प्रोस्पेक्टिव से देखती है, किस एंगल से, किस सोच के साथ समझती है आज के दौर में? यार सच बताऊं तो आज की यूथ के पास टाइम ही नहीं है पाकिस्तान सोचने का। हमारे टाइम पे पाकिस्तान बहुत सोचते थे, जब हम स्कूल में हुआ करते थे तब बहुत पाकिस्तान पे डिस्कशन होते थे, पाकिस्तान ये कर रहा है वो कर रहा है। आज की यूथ की हालत ये है, या तो वो टेक्नोलॉजी में फंसे होते हैं, या उनको दिख रहा होता है कि नेक्स्ट मूवी कब आ रही है, किसकी आ रही है, कैसी आ रही है, और उसके साथ साथ वो डिस्कस क्या कर रहे होते हैं कि नया फोन कौन सा आ रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी आ रही है, ये डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान की जब बात आती है तो उनको ये लगता है कि ये एक नेबरिंग कंट्री है, ठीक है, और वो नेबरिंग कंट्री हमसे लगती चार लड़ाई कर चुका है, ठीक है, और ये बोलता है ठीक है यार वो डेवलप करे अपना, हम अपना डेवलप करेंगे, हम अपना काम करेंगे, वो अपना काम करे, खत्म कहानी। इससे ऊपर यूथ नहीं सोचना चाहता। हाँ एक चीज यूथ के दिमाग में है कि हाँ वहां से टेररिज्म आती है तो उनको वो इस बात पे जरूर कंडम करते हैं कि यार हम भी तुम्हारे कंट्री में टेरर भेजते हैं जो तुम हमारे कंट्री में भेजते हो, तो उस पे बोलते हैं कि यस एक बार इसको सबक सिखाना चाहिए। लेकिन हमारे हमारी यूथ जो है वो सिर्फ एक चीज बोलता है कि आप अपना डेवलप कीजिए, हम अपना कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपके पास कुछ अच्छा हो तो हमें बताइए, हम ले लेंगे, हमारे पास कुछ अच्छा है आप ले लो, खत्म कहानी, दैट्स इट। ठीक है, जाहिर बात है कि अगर कुछ अच्छा होगा तो ही अप्रिशिएट किया जाएगा। अगर लेट्स सपोज आज पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतरी की तरफ जाती है, ये जो लोग देख रहे हैं वो भी जरूर कमेंट कीजिएगा, और शर्मा जी आप बताएं, आज पाकिस्तान की इकॉनमी अल्लाह करे बेहतरी की तरफ जाती है तो क्या इंडिया की तरफ से अप्रिशिएट किया जाएगा? आज भी अप्रिशिएट किया जाता है, अगर पाकिस्तान में कुछ भी अच्छा काम होता है बिल्कुल अप्रिशिएट किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद साड़ी लेके पहुंचे नहीं थे क्या नवाज शरीफ की मदर के लिए? बिल्कुल लेके पहुंचे थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनकी फैमिली में शादी में पहुंचे थे, तो अप्रिशिएट तो किया ही जाता है ना जब भी हो। और ऐसा नहीं है, मतलब कंट्री टू कंट्री भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कई बार ट्वीट किया है, कई बार चिट्ठियां लिखी हैं, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उनको चिट्ठी लिख करके कंग्रेचुलेट किया गया था, बिल्कुल किया जाता है। अब एक चीज होती है कि इंडिया की तरफ से कुछ अच्छा हो जाए तो उसको प्रोजेक्ट ही नहीं किया जाता है पाकिस्तान में, या इंडिया की तरफ से हमेशा खराब ही खराब खराब ही खराब क्यों प्रोजेक्ट किया जाता है ये भी मुझे नहीं पता, कौन लोग उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट रखते हैं वो। और पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम ये भी है कि पाकिस्तानी लोगों को यूथ को इंडियन यूथ की तरह बनना चाहिए, कि हमें कुछ अच्छा लगेगा तो हम उसको पसंद करेंगे, हमें कुछ खराब लगेगा हम उसे पसंद नहीं करेंगे। हम लोगों के लिए इंडियन यूथ, इंडियन मुस्लिम हो या इंडियन हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो,
अपने घर में रखता है रिलीजन को, वो सड़क पे नहीं लाता, और कभी भी उस यूथ को किसी मुसलमान से कुछ नॉलेज मिल रही है तो वो लेगा। इंडिया तो वाहिद वो कंट्री है जहां पे प्रोफेसर मुस्लिम है तो उसके पैर छुए जाते हैं। इंडिया अकेला वो कंट्री है जहां पे मुस्लिम लड़के जामिया मिलिया इस्लामिया में हिंदू प्रोफेसर से पढ़ रहे होते हैं, कभी ये नहीं बोलते कि ये काफिर हमें नहीं पढ़ाएगा। और मुस्लिम प्रोफेसर इतने सारे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो सारी यूनिवर्सिटीज में, और उनकी इज्जत कहीं पे भी कम नहीं होती, सबके सारे प्रोफेसर के पैर छुए जाते हैं, सारे टीचर्स के पैर छुए जाते हैं। अगर ऐसा है बहुत अच्छी बात है रोहित भाई। जी जी रोहित भाई, मुझे ये बताएं, जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया इकॉनमी और जो रिपोर्ट आई है रिसेंटली, बहुत हैरान करने वाली रिपोर्ट है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग भी है, आने वाले 5 साल में आप इंडिया को कहाँ पे देख रहे हैं? क्या चाइना को कम्पीट कर पाएंगे या बीट कर पाएंगे? कम्पीट तो अभी भी ऑलमोस्ट कर रहे हैं, क्या चाइना को बीट कर पाएंगे 5 साल 10 साल में, या मुश्किल नजर आता है? नहीं देखिए, एक बात तो मैं मानूंगा कि चाइना, क्योंकि 1970s के एंड में चाइना के सामने एक चीज आई थी, 1970s के एंड 80s और 90s पूरा चाइना का उसी चीज में बीता कि चाइना को हांगकांग जैसी इकोनॉमी को टेक ओवर करना था, वापस हैंड ओवर होना था। तो उनको ये लग रहा पैसे की कमी थी चाइना के पास, चाइना तो बहुत गरीब कंट्री था, तो चाइना ने अपनी उस हांगकांग की इकोनॉमी को बचाने के लिए 70s के एंड में ही अपनी इकोनॉमी ओपन अप कर दी थी। और ये ओपन अप इंडिया ने 1990s में की, तो करीब 10 साल से ज्यादा, करीब 15 साल के आसपास का लीड ले गया है चाइना, तो उसी के रिजल्ट्स चाइना देख रहा है। अदरवाइज इंडिया, अगर इंडिया और चाइना दोनों इकट्ठे करते ओपन अप, तो शायद इंडिया बेहतर परफॉर्म कर रहा होता। और अब भी हम 15 साल के पीछे हैं, अगर आप ये देखें कि ओपन अप करने के लिए, वो तो डेफिनेटली देखें, दुनिया को पता है, इंडिया वालों को भी पता है, चाइना वालों को भी पता है, पाकिस्तान वालों को भी पता है कि इस टाइम चाइना की इकॉनमी बहुत आगे है, इंडिया की इकॉनमी उसके मुकाबले में उस तरीके से नहीं है। लेकिन जो आपने बोला 15 साल का डिफरेंस है इक्वल होने में, मैं ये कह रहा हूँ क्या उसे 15 साल ही लगेंगे या जल्द आप उसे रिकवर कर लेंगे? देखिए, एक आदमी ने आपसे, आप 100 मीटर आप एक मैराथन दौड़ रहे हो और कोई आदमी आपसे 15 मिनट पहले भागा, तो आप पीछे ही होंगे, लेकिन आप उसको धीरे धीरे करके कवर अप करेंगे, तो वो 15 मिनट का एडवांटेज तो उसको मिलेगा, नो डाउट अबाउट इट। वही हो रहा है। अगर आप ऐसे देखें कि आज से 15 साल पहले चाइनीज इकोनॉमी कितने की थी, तो वो 3 ट्रिलियन की नहीं थी, इंडिया आज 3 ट्रिलियन है। तो मतलब ओपन अप करने के बाद, इतने साल बाद इंडियन इकोनॉमी कहाँ है और चाइनीज इकोनॉमी कहाँ है, तो इसको देखेंगे तो इंडियन इकोनॉमी चाइनीज इकोनॉमी से आगे है। लेकिन हम कम्पीट कर रहे हैं, और चाइनीज इकोनॉमी की फैक्ट्स एंड फिगर्स भी अभी तक सारी क्लियर नहीं है, बहुत सारे कम्युनिस्ट रिजीम छुपा के बताती है या बताती ही नहीं है या रॉन्ग फिगर्स देती है। तो हम कम्पीट कर रहे हैं, और कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में उनसे आगे निकल जाएंगे, वेट एंड वॉच, ज्यादा टाइम नहीं है। बिल्कुल, हम अपने लाइफ टाइम में देख रहे हैं। जी जी रोहित, हम अपने लाइफ टाइम में, जी बिल्कुल, क्या आपने क्या बोला, सॉरी, हम कह रहे हैं हम अपनी लाइफ टाइम में देख लेंगे ये इंडिया की, और बड़ी हैरान करने वाली रिपोर्ट आई है उसके ऊपर, एज ए पाकिस्तानी मैं कंग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ और बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ आने वाले टाइम के लिए इंडिया को। लेकिन पाकिस्तान को भी इसके ऊपर सीख लेने की जरूरत है।